हाई डेफिनेशन चैनल लॉन्च किए हैं एनुअल कैनन डिस्ट्री वर्ल्ड और टीएलसी वर्ल्ड, और हिंदी एंटरटेनमेंट को लेके काफ़ी चर्चा रहती है, खासकर अखबारों में पिछले सालों से हमारी भी बहुत चर्चा रही हिंदी एंटरटेनमेंट को लेके कि डिस्कवरी इसमें क्या कर सकता है। तो हाल ही में सितंबर में हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है आईडी, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सच्ची कहानियाँ दिखाता है, 24 आवर चैनल। तो क्योंकि ये सब चीज़ों में हम बड़े ऑक्यूपाइड थे, इसमें आने में समय लग गया। सो बिफोर वी इन्वाइट राहुल जोरी, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर फॉर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, हम चाहेंगे कि द करंट टुडेज वर्ल्ड ऑफ डिस्कवरी आपको प्रेजेंट करें, उसके बाद राहुल विल कम एंड टॉक अबाउट हिज। Time travel possible.
देखें कि कोई भी ब्रांड ऐसी नहीं है जो डिस्कवरी के किसी चैनल पर एक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है इंडिया का जहाँ पर डिस्कवरी चैनल अवेलेबल नहीं है। और पिछले कुछ सालों में हमने जो इस काम पर काफ़ी जोर दिया है वो है कि डिस्कवरी इंडिया के इंडिया प्रोडक्शंस इंडिया में हों। अभी तक बहुत से क्योंकि इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट है डिस्कवरी की दुनिया में कि US में भी जो प्रोडक्शन होती हैं उनका कोई ना कोई एपिसोड इंडिया में जरूर होता है, तो हमें काफ़ी इंडिया की प्रोडक्शन वहाँ से मिलती है। पर पिछले एक डेढ़ साल में हमारी ये कोशिश रही दो साल में कि हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें और बड़े शोज बनाएं। और उसकी कड़ी में हमने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पर एक शो साल पहले आया था, एंड 20 साल में हमारी जो 20 साल डिस्कवरी इंडिया में बिकेम द हाईएस्ट रेटेड शो एवर। उसके बाद हमने जो उत्तराखंड में पिछले साल डिजास्टर हुआ था उसके ऊपर एक शो बनाया जो बहुत बड़ा शो बना, और अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस अकेडमी पर एक शो बनाया और इलेक्शन के ऊपर एक शो बनाया। तो इलेक्शन पे जो हमारा शो था वो कुछ हटके था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं था, इलेक्शन के ऊपर नहीं था, पर वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर था कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन ऑर्गेनाइज कैसे होता है। एंड यही डिस्कवरी की खूबी रही है कि चीज़ के पीछे जाएं और आप लोगों को असली स्टोरी एक अच्छी स्टोरी सुनाएं। और हम हर स्टेट के ऊपर इंडियन स्टेट्स के ऊपर शोज बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने गंगा के ऊपर शो बनाया उत्तराखंड में, गंगा जहाँ से शुरू होती है ऋषिकेश तक उस जगह कर वहाँ के अपनी लोग पीपल फ्लोरा एंड फौना वहाँ के कल्चर के बारे में। और पिछले दो साल से हम रानव कच्छ के ऊपर शो बना रहे थे जिसमें आपको भी उसकी क्लिप दिखाएंगे, इसमें आप देखेंगे वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की जियोलॉजी, वहाँ की आर्ट, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग, हर पहलू जिंदगी का आप देखेंगे। और अभी यहाँ आने से पहले हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब के साथ थे, उन्होंने पूरा शो देखा ये और बहुत पसंद किया, और आपको मैं ये शो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कोई सवाल हो तो मैं जब जवाब देने के लिए। थैंक यू। नमक हजारों हजार किलोमीटर तक फैला नमक, लेकिन इस चमकीले सफेद विस्तार में और भी बहुत कुछ है। ये इकोसिस्टम का वो नेटवर्क है जहां जीवन खिलता है। यहां महान प्राचीन सभ्यताओं का उत्थान हुआ है। ये अनोखा बंजर आज भी बहुतों के लिए अपना घर है। ये है रन ऑफ कच्छ। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित कच्छ देश का सबसे बड़ा जिला है। इसका दो तिहाई हिस्सा रण कहलाता है। प्रकृति का एक अजूबा है ये रण। बची खुची नमी खत्म होते होते जमीन फटने तड़कने लगती है, गर्मी बे इंतहा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ प्राणी तो जैसे बने ही इस जलती भट्टी में जीने के लिए हैं। कच्छ का खुड़खर हर हाल में जी लेता है। और यहाँ रन में ये 50 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान झेल लेते हैं। इस खुश्क इलाके के पत्थर एक अनूठी कहानी कहते हैं। ये पानी के तराशे पत्थर हैं। कच्छ का भूवैज्ञानिक अतीत बताता है कि कभी ये पूरा जिला समुद्र में डूबा हुआ था। यहाँ पर निरंतर सक्रिय ज्वालामुखी थे और भूकंप आते रहते थे। ऐसे भूकंप जो हर 50 साल में कच्छ का नक्शा बदल देते थे। आज ये कल्पना करना मुश्किल है, पर सच यही है कि सदियों पहले कच्छ एक ऐसा प्रदेश था जो समुद्र तल में हुआ करता था। मानसून के कुछ महीने बाद रन के आसपास की तमाम चरागाहें सूख जाती हैं।
अब भोजन मिलना सिर्फ जंगली जीवों के लिए दुर्लभ नहीं रहा। मुश्किल हालात में जीना ऊंट से बेहतर शायद ही किसी और पशु ने सीखा होगा। खराई का अपने चरवाहे के साथ अनोखा रिश्ता होता है। फकीरानी जट कहलाने वाले ये चरवाहे खानदानी ऊंट पालक हैं और सदियों से इस प्रदेश में रह रहे हैं। इनके चरवाहे इन्हें यहाँ ले आए हैं मुहाने पर। मंजिल दूर है मगर इस तरफ भोजन इतना दुर्लभ है कि वो हिम्मत करके मैंग्रोव के पत्ते खाने तैर कर सागर पार जा रहे हैं, जबकि यही चिपचिपा कीचड़ खराई ऊंटों के लिए जान का जंजाल बन जाता है। अगर वो कीचड़ में धंस जाए तो उसे बाहर निकालना लगभग असंभव है। ऐसे में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है। लेकिन भूख ने इस जबरदस्त जानवर के इरादे और बुलंद कर दिए हैं। वैसे कच्छ में जो व्यापक विकास हो रहा है उसे देखते हुए इस मुश्किल सफर के अब गिनती के ही दिन बचे हैं। रेगिस्तान में फकीरानी जटों के डेरे कम ही दिखाई देते हैं। फिलहाल इनके प्राचीन गीत अब भी यहाँ गूंज रहे हैं और कच्छ के रंग का समृद्ध लोक साहित्य आज भी गीतों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल रहा है। जाड़ा आते आते ये खारे दलदल जीवन की हलचल से भर उठते हैं। ये खारा दलदल सबके आकर्षण का केंद्र है। रनवासियों के लिए इस कीचड़ में खाने की कई चटपटी चीजें हैं। वो देखिए उड़े आ रहे हैं कच्छ के रन के सुपरस्टार्स। लीजिए फ्लेमिंगो पहुंच ही गए। इन मैदानों के बीचों बीच खनीर नाम का टापू है। प्राचीन रोमन सभ्यता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हड़प्पावासी ये शानदार नगर बसा चुके थे। सन 1990 में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की और ढोलावीरा की खोज हुई। ये एक आदर्श शहर है जिसका नगर नियोजन उत्कृष्ट है। तमाम गणितीय नाप जोक निर्दोष हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों को ट्रिग्नोमेट्री और गणित की गणना करना अच्छी तरह आता था और शायद उनके पास अपना एक खास फॉर्मूला भी था। पुरातात्विक नतीजों के आधार पर बना ये मॉडल बताता है कि ढोलावीरा कुछ इस तरह का रहा होगा। लगभग 5000 साल पहले यहाँ पश्चिम एशिया के जहाज हड़प्पा वालों के साथ व्यापार करने आया करते थे। तट के पास ही था हर तरह से सुरक्षित नगर ढोलावीरा। और इस भव्य नगर के बीचों बीच थी एक शानदार गढ़ी। पांच हजार साल बाद भी ये दीवारें खनहरी सही मगर आज भी खड़ी हैं। 1990 के पूरे दशक में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई करके इस भव्य नगर के रहस्य उजागर किए। उस कक्ष में काम करते हुए पहले एक चिन्ह का छोटा सा हिस्सा दिखाई देना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे परत दर परत हटाते हटाते आखिरकार वो पूरा हड़प्पाई चिन्ह हमारे सामने आ गया। पूरी इबारत बरामद करने में हमें 3 महीने लग गए। घड़ी के लंबे चौड़े उत्तरी दरवाजे के ऊपर मौजूद था विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड। लेकिन जब तक हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा है ये राज ही रहेगा।
ये बेट या टीले कच्छ के रंग के अभिन्न अंग है। ये रेगिस्तान में नखलिस्तान सरीखे दिखाई देते हैं। इतनी दूर होने पर भी दुनिया भर के पर्यटक इस लुभावने और शांत कोने तक पहुंच ही जाते हैं। कच्छ के रंग में बिखरे इक्का दुक्का गांव आज भी परंपरागत ढंग से जी रहे हैं। सारे रेगिस्तान में इसके रंग कुछ ज्यादा ही खिलते हैं। मिट्टी के बने ये घर बोंगा सुंदर रंगों और शीशे के टुकड़ों से बड़ी कुशलता से सजाए जाते हैं। वैसे रंग की कुछ परंपराएं अपना अलग रंग रखती हैं। इस रण और कच्छ के सागर किनारे नमक के खेतों से भारत का 75% नमक आता है और जैसे ये रण हमें बेशुमार मात्रा में नमक देता है वैसे ही ये इन टर्बाइनों को लगातार बेहिसाब हवा भी देता है। कच्छ हजारों साल से पश्चिमी विश्व को जाते जल और थल मार्गों का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। कच्छ यानी विभिन्न संस्कृतियों और संप्रदायों का संगम। इन संप्रदायों के बीच चाहे मरुभूमि उत्पत्ति और सांस्कृतिक विभिन्नता हो पर अक्सर वो करीब भी आ जाते हैं। संग संग आई है रंगों की बहार क्योंकि कच्छ के विभिन्न घरानों के लोग अपनी अपनी परंपरागत पोशाकों में आए हैं। रंग के इस धूल भरे मैदान में तजुर्बेकार उस्ताद और नौसिखिए नौजवान हर तरह के घुड़सवार आ जुटे हैं। रेस अब बस शुरू ही होने वाली है। शुरुआत ही अव्यवस्था से होती है। जान और हाथ पैर का जोखिम दर्शकों के लिए भी है। जोश में सावधानी का क्या काम, कुछ नंगी पीठ घुड़सवारी कर रहे हैं तो कुछ नंगे पैर। सुरक्षा के लिए किसी ने कुछ नहीं पहना, आखिर बीहड़ की रेस है। रंग के बांके घुड़सवारों और उनके तगड़े घोड़ों के बीच ये जो चिर सम्मानित साझेदारी है इसे इस कठोर प्रदेश के जीवन ने खुद तपा कर गढ़ा है। कच्छ का रंग शायद हमेशा एक पहेली ही बना रहेगा, एक ऐसा बंजर जहां जीवन खिलता है। रण उत्सव चल रहा है तो उसका भी आपने कलेक्ट किया कि नहीं? रण उत्सव शुरू हुआ है इसमें पूरा ये फिल्म जो है इसकी शूटिंग एक साल में, तो एक साल में जितना भी है सब हर चीज़ की हाईलाइट है। आपने तो अभी करीब 8-10 मिनट का देखा है, तो 1 घंटे का।